केंद्रीय बजट आ चुका है और जिस प्रकार से हम बार बार कहते आ रहे हैं कि महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि महिला, युवा, गरीब और अन्नदाता पर ये बजट का फोकस रहेगा और उसी हिसाब से कई सौगातें महिलाओं को दी गई हैं, युवाओं को दी गई है, किसानों के लिए दी गई हैं और साथ ही साथ जो हमारे जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ इस बजट में रखा गया है। मनीषा सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मनीषा जी, जिस प्रकार से स्टार्टिंग में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि महिलाओं पे, युवाओं पे, गरीबों पे और अन्नदाता यानी कि किसान पे इस बजट का फोकस रहेगा, किस प्रकार से देखिए, मैं इस बजट के लिए कहना चाहूँगी कि एक विकसित भारत का बजट है। यहाँ इसमें महिला से लेके किसान, युवा, गरीब और कारोबारी, आम और ख़ास सभी के लिए बहुत ही अच्छा बजट आया है। और इसमें अगर देखते हैं कि शिक्षा को लेकर देखते हैं तो शिक्षा में जो ई वाउचर्स के हैं, जो एडमिशन्स के लिए जो लोन दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है। आगे हमारा जो देश में जो शिक्षा है, जो बेसिक है, उसके आगे से आगे उसके लिए राह खुलेंगी, बच्चों के लिए बहुत आसानी होगी। तो उसके बाद में अगर हम देखते हैं स्वास्थ्य की बात की जाए तो अगर कैंसर है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो कैंसर के इलाज को सस्ता किया गया है, जो विभिन्न उपकरण हैं, दवाइयां हैं, उन पे ड्यूटी घटाई गई है तो वो सस्ते हुए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और उसके बाद में महिलाओं के लिए जो 3 लाख करोड़ का जो प्रावधान रखा गया है, अभी बाइफर्केशन नहीं किया गया, आगे किया जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है। महिलाएँ सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, उनके लिए आगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है या MSME से उनको जोड़कर, उनको जो बिज़नेस में उनको जो जोड़ा जाएगा, बिज़नेस से कहा गया था कि जो हॉस्टल है उनसे कोलैबोरेशन में महिलाओं को रखा जाएगा जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे प्रावधान मैंने देखे। किसानों के लिए 6 करोड़ जो किसान हैं उनकी ज़मीन को रजिस्टर किया जाएगा और साथ साथ में जो 2500 जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए आगे जो स्किल मॉडल है वो तैयार किए जाएंगे, उनको स्किल दिए जाएगी। इन जो इंटर्नशिप है बड़ी बड़ी टॉप कंपनियों में वो उनको दिया जाएगा। तो ये कहते हैं कि भविष्य को सुनिश्चित कर रहा है ये, कोई मतलब इस साल का बजट नहीं, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बजट है, आगे के भविष्य को सुनिश्चित किया गया। देखिए जिस तरह से हमारे जो संसाधन है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ई जो उसकी जो बैटरीज है और ई व्हीकल है उनको सस्ता किया गया, ये बहुत ही अच्छे प्रावधान हैं जो कि आगे की सोच रखते हैं और हमारे एक विकसित भारत की सोच रखते हैं। इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 2047 को ध्यान में किया गया बजट है और बहुत ही ज़्यादा हमारे देश को एक बुलंदी पे लेके जाएगा, अर्थव्यवस्था को बुलंदी पे लेके जाएगा। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी एक महिला वित्त मंत्री है, केंद्र में भी महिला वित्त मंत्री है, दोनों ही जगह BJP की सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार है। और महिलाओं की विशेष तौर पर हम बात करें तो राजस्थान में भी लखपति दीदी बनाने की बात कही गई थी, यहाँ पर भी कई लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी। अगर केंद्र के और राजस्थान के बजट को अगर थोड़ा सा हम जोड़ के अगर देखें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और निश्चित रूप से राजस्थान को दुगनी रफ्तार मिलेगी। जिस तरह से हमने देखा राजस्थान का, सुश्री दिया कुमारी जी ने बहुत ही अच्छा बजट रखा, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा बजट था, और अभी वित्त मंत्री जी सीतारमण जी ने जो बजट रखा है तो हमें दोहरी गति से आगे बढ़ेंगे, राजस्थान आगे बढ़ेगा पर्यटन को, और जिस तरह से युवा है और किसान है सभी को अपना जो देश है वो साथ लेके बढ़ेगा और विकसित भारत की जो थीम है वो हम पूरी करेंगे। कोई एक ऐसी बात या कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि भले वो राजस्थान के बजट की बात करें या फिर केंद्र के बजट की हम बात करें कि ये चीज़ होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, या फिर आगे अगर आगे आने वाले बजट में भी इस चीज़ को जोड़ा जाए? देखिए, ऐसा नहीं लगता। देखिए, जो सरकार है उन्होंने भी हर तरह से सोच को लेके आगे बढ़े हैं और अपने इस बजट को किस तरीके से क्रिएट किया है, मतलब सभी को लेके वो चले हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं, तो कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, देखते हैं कि जैसे अभी जो महिलाओं वाला बजट है उसमें वाइफोविक जो अगर मान ले कर दिया जाता तो अभी उस हिसाब से आगे आगे घोषणाओं की जो आगे जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा होगी तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि आगे हम वेट कर सकते हैं कि और अच्छी घोषणाओं के साथ में ये बजट बिखर करेगा। ये थे हमारे साथ मनीषा सिंह जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि
केंद्र सरकार के बजट जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, उसमें जो वादे अंतरिम बजट में जो जनता से किए गए थे, उन वादों पर खरा उतरने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और जिस प्रकार से युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और गरीबों को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं वो काफ़ी लाभकारी हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि युवाओं के लिए विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो स्किल डेवलपमेंट पर इस बजट में विशेष तौर पर जोर दिया गया है और कम से कम 500 करोड़ के आसपास युवाओं को इंटर्नशिप देने की यहाँ पर बात की गई है, वो भी टॉप कंपनीज में। यानी कि भारत जिसको एक युवा देश कहा जाता है, उसी युवा देश के अंदर युवाओं पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न, हम कह सकते हैं कि ध्यान केंद्रित किया गया है। और आगे आने वाले समय में भी इस बजट में जो चीज़ अभी डाइवर्सिफिकेशन नहीं की गई है वो भी आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।